सो गाइज, अभी हम इस होटल में ठहरे थे और यहीं पे रात में स्टे किया था, तो अब निकलते हैं यहाँ से बॉर्डर के लिए और पहुँचेंगे सीधा काठमांडू। सो देख सकते हैं ये होटल थी मतलब। सो गाइज, अभी हम जिस होटल में स्टे किया था ना, वो ये होटल है और यहाँ पे चेकआउट टाइम जो है 10 AM है। देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिटेल्स जो है आपको देखने को मिल सकता है। अभी 7:30 हो रहा है, हम निकलते हैं यहाँ से और अभी सर से जानकारी लेते हैं होटल के विषय में। सर, रात में कितने बजे तक ये 24 आवर्स डेस्क सर्विस है, 24 घंटा आ सकते हैं, कभी भी आप आइए। तो जैसे ये रेलवे स्टेशन है, इसके पास में ही 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये। हाँ, यहाँ से बॉर्डर आपको 1.5 किलोमीटर है। 50 रुपया आपको ई रिक्शा का भाड़ा है, 5 आदमी आप बैठ के जा सकते हैं। पास में है, ठीक है, यहाँ सुविधा भी ठीक है। यहाँ पे नॉन एसी एंड एसी रूम मिल सकते हैं, जैसे डीलक्स रूम, नॉन अटैचमेंट रूम्स वगैरह यहाँ देख सकते हैं पूरी जानकारी। तो गाइस, देख सकते हो ये है नेपाल बॉर्डर और अब अंदर एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग। यह है वीरगंज, यहीं से आपको टैक्सी या बस वगैरह मिलती है काठमांडू के लिए यानी नेपाल के लिए। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ वीरगंज और यहाँ से इस वाली गाड़ी में मैं जाऊँगा, क्योंकि बस जो है वो नाइट में जाती हैं और अभी और जो शेयरिंग गाड़ियां हैं वो शायद चल नहीं रही हैं, और अगर चलती भी हैं तो लगभग 800 रुपये के आसपास चार्ज ले लेती हैं। लेकिन मैं इसमें जा रहा हूँ और इसमें आगे वाली सीट पर बैठूँगा, इस वाली गाड़ी में। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मुझे 1500 रुपये का चार्ज देना पड़ रहा है। 1500 रुपये में मुझे काठमांडू तक भेजेंगे, मतलब 1500 नेपाली रुपये। तो गाइस, सफ़र तो मस्त है यार, पर एक बात है कि अगर साथ में कोई और होता ना तो और ज़्यादा मज़ा आता, तो अकेले अकेले मज़ा नहीं आता है ना यार। देख सकते हो इस वाली गाड़ी में जा रहे हैं हम लोग नहीं, मैं अकेला। अकेले में यार कोई बोलता नहीं है, कोई बात नहीं करते हैं, सब लोग अपनी अपनी ये भाषा जो है नेपाली बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। सो अभी हम निकलने ही वाले हैं जस्ट यहाँ से। सो गाइज, अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं, हमने अभी नेपाल बॉर्डर पर करेंसी एक्सचेंज करवाया था। सो ये नेपाली 1000 रुपये हैं और ये 500 है, ये 100 है।
गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं नेपाल काठमांडू में, और मुझे लग रही थी बहुत तेज वाली भूख, इस वजह से आ गया हूं होटल में। और गाइस एक बात और बता दें आपको कि काठमांडू में प्योर वेजिटेबल होटल मिलना एक तरह से असंभव काम है। तो यहां पे एक होटल है, उसका लोकेशन मैं शेयर कर दूँगा अगर आप लोग आना चाहते हैं तो। अगर आपको प्योर वेजिटेबल वेजिटेरियन होटल अगर चाहिए तो मैं इसका लोकेशन आपको बता सकता हूँ, कमेंट करके आप पूछें। वैसे मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और नहीं डाल पाऊँ तो आप कमेंट करें, मैं बाद में डाल दूँगा इसकी जो लाइव लोकेशन है वो। और वैसे पूरे काठमांडू में नॉन वेज ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, तो वेजिटेरियन तो मतलब है तो सही, लेकिन होटल बहुत कम है वेजिटेरियन। तो भाई अभी मैं कर रहा हूँ ये वाला भोजन, देख सकते हो। अभी मैं भोजन करके और जस्ट पहुंचा हूँ एक होटल पे, और यहाँ पे मैंने लिया है एक रूम। और गाइज इस रूम में एसी है, और ये रूम मुझे वैसे इस होटल में जो रूम है वो 1000 से लेके और भी 2000-3000 तक अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन मैंने ये लिया है 1600 रुपए में, एसी वाला है। और साथ में गाइज आज की यात्रा में जो मज़ा आया ना, ज़िंदगी में कभी नहीं आया यार। मुझे तो पता है पहाड़ी पर जब चल रहा था, मतलब ये पता है नेपाल कहाँ पे है, मैं सोचता था ऐसा होगा पठार पे या थोड़ा और नीचे होगा, लेकिन आज लाइफ में पहली बार पता चला कि नेपाल कहाँ है। मतलब नेपाल है बहुत ऊंची पहाड़ी पे, पता है आपको एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो भी नेपाल में ही है। सो ये मान लो बस ऊंची चोटी है, ये भी बहुत पहाड़ी पर चलते रहे, 200 किलोमीटर से ज़्यादा पहाड़ी पर चले यार, कितनी बड़ी बात है। जब मैं उसमें चल रहा था ना तो उस टाइम पे बाबा से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे मुकाम पे पहुंचा देना, पता चले कि घर वाले ढूंढते रहे कहाँ गया, मतलब घर वाले सोचते रहेंगे कि वो यात्रा पे निकला है और मैं कहाँ पहुंच जाऊँ। सो ऐसी ऐसी पहाड़ियों के बीच में से, पहाड़ियों के साइड में से जो रास्ता निकला था उसमें से निकल के आए हैं, और ऊपर पहुँचते गए और बस पहुँचते ही गए, और आप जाके पहुँच चुके हैं काठमांडू में। और काठमांडू में है पशुपतिनाथ जी का मंदिर, वहाँ पे करेंगे सुबह दर्शन। अभी तो मैं थक चुका था, हालांकि मैं यहाँ पे 4 बजे पहुँच चुका था, लेकिन थकने के बाद मैं होटल भी ढूंढना था, कुछ खाना पीना भी था, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया था। और गाइस टोटल ट्रिप की जो भी जानकारी है, पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब एक वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आना चाहिए तो किस तरह से आना चाहिए, कितना खर्चा होगा, और किस तरह से आप यहाँ आ सकते हैं, और सबसे सस्ता और सबसे महंगा सब कुछ बताऊंगा आपको, जैसा भी अफोर्डेबल लगे। और गाइस आज की जो यात्रा रही ना, मेरे लाइफ का सबसे मेमोरेबल क्षण होने वाली है, क्योंकि यार ऐसा मैंने कभी भी, इतनी दूर तो पहली बार कभी नहीं आया था, और ख़ास तौर पे भारत से बाहर, यानी पहली मेरी विदेश यात्रा है। लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और सुबह करेंगे बाबा के दर्शन, और भी दिखाते हैं आने वाले वीडियोज़ में, बहुत कमाल के होंगे। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।